एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुरप्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू कवर द चैप्टर डेप्रिसिएशन। दिस वीडियो विल बी वेरी प्रोडक्टिव फॉर यू। लिसन दिस वीडियो केयरफुली। सो डेप्रिसिएशन मीन्स किसी चीज़ की वैल्यू का घटना। सो बेसिकली डेप्रिसिएशन इज़ द डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ टेंजेबल एसेट्स। मीन्स टेंजेबल एसेट्स की वैल्यू जो घटती है उन्होंने डेप्रिसिएशन कहते हैं। टेंजेबल एसेट्स आर दोज एसेट्स दैट वी कैन टच। मीन्स टेंजेबल एसेट्स की वैल्यू का घटना इज डेप्रिसिएशन। सो डेप्रीसीएशन हुण देखियो इनटेंजेबल एसेट्स की वैल्यू का भी घटना। टेंजेबल एसेट्स की आंदा दैट इज कॉल्ड इन्हें चाहदियां ने बिल्डिंग, टेंजेबल एसेट्स मशीनरी, इन्हों की वैल्यू का घटना इज कॉल्ड डेप्रीसीएशन। जे साडा डिक्रीज होवे इनटेंजेबल एसेट्स, इनटेंजेबल एसेट्स हो जिन्हां नूं असीं टच नहीं कर सकते, गुडविल, दैन पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, दीज आर द इनटेंजेबल एसेट्स दैट वी कांट टच। इन्हों की वैल्यू के घटन अमोटाइजेशन कहते। अमोटाइजेशन, रिमैंबर दिस थिंग। दैन वैल्यू घटना अपना किसी नैचुरल एसेट्स का। नैचुरल एसेट्स मीनस जिदा कोल माइनस, कोल माइनस जिदा इंडिया के कोल का बहुत ज़्यादा भंडार है, ठीक है। सो जिहड़े झारखंड के बड़ी सारी कोल माइनस है, वॉट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यूज टू सैल ऑक्शन दीज कोल माइनस। ये जो कोई खरीदता कोल माइनस लीज के उत्ते खरीदता, मीनस इनकी वैल्यू घटती जाती है। क्यों? क्योंकि उनके चो कोल बाहर निकली जा रहा। कोल इज़ द नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स ऑफ एनर्जी। सो जो नैचुरल एसेट्स की वैल्यू घटती है उन्होंने डिप्लीशन कहते हैं। मीनस नैचुरली अकरिंग एसिड एसिड्स, जिदा सरकार का एसिड कोल माइन सरकार का एसिड है, मीनस ये वैल्यू इनकी घटती जा रही है हर साल क्योंकि उनके चो कोल निकली जा रहा है। इनू भी से डिपलीशन। सो ये तो हो गया डेप्रीसीएशन की होंगे। मीनस है सिमिलर टर्म बट डेप्रीसीएशन अमोटाइजेशन तो की कहते डिपलीशन, बट इन्हों के डिफरेंस है। चाहे डिफरेंस चाहे बहुत, मीनस डेफिनेशन वाइज दे ऑल दीज कंसेप्ट आर सेम। मीनस डेप्रीसीएशन अमोटाइजेशन डिप्लीशन मीनस वैल्यू का घटना। बट याद रखना डेप्रीसीएशन इज फॉर टेंजेबल एसेट, अमोटाइजेशन इज फॉर इनटेंजेबल एसेट्स एंड डिप्लीशन इज फॉर नेचुरल एसेट्स। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द वेज टू कैलकुलेट डेप्रीसीएशन। सो जो भी तुम्हें याद रखना मशीनरी बारे पूछा होगा उनके लिए वर्ड डेप्रीसीएशन यूज़ करना, जे तुम्हें पूछा हो गुडविल के बारे उनकी वैल्यू घट रही है उन्होंने अमोटाइजेशन, जे कोल माइन वगैरह के बारे पूछन तो उनके लिए तुम डिप्लीशन वर्ड यूज़ करना। याद रखना वैल्यू का घटना मीनस ये तिना का मतलब लिटरली मीनिंग की है वैल्यू का घटना, बट अपन डिफरेंट कॉन्टेक्सट विच डिफरेंट वर्ड्स यूज़ करने। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द मैथड्स फॉर कैलकुलेटिंग डेप्रीसीएशन। सो सबसे पहले मैथड होता है स्ट्रेट लाइन मैथड। स्ट्रेट लाइन मैथड का दूसरा नाम है ओरिजिनल कॉस्ट मैथड। स्ट्रेट लाइन मैथड का दूसरा नाम ओरिजिनल कॉस्ट मैथड है मेरे बच्चों। सो स्ट्रेट लाइन मैथड ऑफ डेप्रीसीएशन के ओरिजिनल वैल्यू सपोज मशीन की 80,000 है, ओरिजिनल वैल्यू इज 80,000। असी सपोज लेट इट बी 72,000 की असी मशीन खरीदी। सपोज आई हैव परचेज्ड अ मशीनरी कॉस्टिंग 72,000, इन्हें तो डेप्रीसीएशन लगनी है 10% क्वेश्चन दिता होएगा। मीनस पहले साल डेप्रीसीएशन कितनी होगी? डेप्रीसीएशन 10% ऑफ, इतने मैं 80,000 ही लिख रहा ताकि तुहानू थोड़ी कैलकुलेशन ईजी रहन। 10% ऑफ 80,000 दैट इज़ 8,000 पहले साल डेप्रीसीएशन। दूसरे साल भी 10% ऑफ 80,000 ही, मीन्स दूसरे साल की डेप्रीसीएशन भी 10% ऑफ 80,000 ही रहेगी, दैट इज़ 8,000। 10% ऑफ 80,000 8,000। अगले साल भी ओरिजिनल कॉस्ट से ही वैल्यू रहेगी। मीन्स थर्ड ईयर भी डेप्रीसीएशन 10% ऑफ 80,000 दैट इज़ 8,000। दिस इज स्ट्रेट लाइन मैथड। स्ट्रेट लाइन मैथड का दूसरा नाम ओरिजिनल कॉस्ट मैथड है, जिंदे च डेप्रीसीएशन हमेशा की रहती है मेरे बच्चों सेम रहती है। सो
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ 80,000 'ਤੇ, ਪਰ ਜੇ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਟਰਨ ਡਾਊਨ ਵੈਲਿਊ ਮੈਥਡ ਕਿਹਾ ਜਾਏ, ਦੈਨ ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ, ਮੀਨਸ ਇਹ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਅੱਗੇ 'ਚ ਲੱਗਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਲੱਗਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਮੀਨਸ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਤਦ ਤੱਕ ਲੱਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ੀਰੋ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਲੱਗੀ ਜਾਏਗੀ, ਮੀਨਸ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿੰਨੀ ਲੱਗੇਗੀ, 10% ਆਫ 80,000, ਦੈਟ ਇਜ਼ 8,000। ਜੇ ਹੁਣ ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਟਰਨ ਡਾਊਨ ਵੈਲਿਊ ਮੈਥਡ ਹੋਏ, ਜਿਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਡਿਮਨਿਸ਼ਿੰਗ ਕੋਸਟ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਸਟਰੇਟ ਲਾਈਨ ਮੈਥਡ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਓਰਿਜਿਨਲ ਵੈਲਿਊ ਮੈਥਡ, ਇਹਦਾ ਦੂਸ ਮੀਨਸ ਅਗਲਾ ਮੈਥਡ ਆਫ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਹੈ ਰਿਟਰਨ ਡਾਊਨ ਵੈਲਿਊ ਮੈਥਡ, ਰਿਟਰਨ ਡਾਊਨ ਵੈਲਿਊ ਮੈਥਡ, ਇਹਨੂੰ ਡਬਲਿਊ ਡੀ ਵੀ ਮੈਥਡ ਸ਼ੋਰਟ ਫੋਰਮ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਨਾਮ ਇਹਦਾ ਡਿਮਨਿਸ਼ਿੰਗ ਬੈਲੈਂਸ ਮੈਥਡ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਨਾਮ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਇੰਸਟਾਲਮੈਂਟ ਮੈਥਡ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਇਹ ਰਿਟਰਨ ਡਾਊਨ ਵੈਲਿਊ ਮੈਥਡ 'ਚ ਹੁਣ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ, ਸਪੋਜ਼ ਓਰਿਜਿਨਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਸਾਡੀ 80,000 ਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਰੇਟ 10% ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ 10% ਆਫ 80,000, ਦੈਟ ਇਜ਼ 8,000। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ 80,000 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, 72,000 'ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ 80,000 'ਤੇ ਨਹੀਂ, 80,000 'ਚੋਂ 8,000 ਮਾਈਨਸ ਕਰੋ, 72,000 'ਤੇ ਲੱਗੀ, 7,200। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਲੱਗੇਗੀ ਮੀਨਸ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ 10% ਆਫ 80,000, 8,000, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ 'ਚੋਂ ਲੱਗੀ, 80,000 'ਚੋਂ 8,000 ਮਾਈਨਸ ਕਰਿਆ, 72,000 ਦਾ 10%, 7,200। ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ 'ਤੇ ਲੱਗੇਗੀ, 72,000 'ਚੋਂ 7,200 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿਉ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ 64,800। 72,000 'ਚੋਂ 7,200 ਮਾਈਨਸ ਕਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ 64,800 ਆਇਆ, ਮੀਨਸ 6,480 ਲੱਗੀ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਕਿੰਨੇ 'ਤੇ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਲੱਗੇਗੀ, ਚੌਥੇ ਸਾਲ 64,800 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ 6,480 ਮਾਈਨਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ 10%, ਮੀਨਸ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਤਦ ਤੱਕ ਲੱਗਦੀ ਜਾਏਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਵੈਲਿਊ ਜ਼ੀਰੋ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਸੀਗਾ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਮੈਥਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਮੈਥਡ ਕਰਿਆ ਡਬਲਿਊ ਡੀ ਵੀ ਮੈਥਡ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਰਿਆ ਸਟਰੇਟ ਲਾਈਨ ਮੈਥਡ ਆਫ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ। ਡੀਅਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਫ ਦੀਜ਼ ਟੂ ਮੈਥਡ। ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਟੈਲ ਯੂ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰੇਟ ਲਾਈਨ ਵੈਲਿਊ ਮੈਥਡ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ, ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਵੀ ਸਟਰੇਟ ਲਾਈਨ ਲਗਾਇਆ, ਤੀਜੇ ਸਾਲ ਵੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਚੌਥੇ ਸਾਲ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਡਬਲਿਊ ਡੀ ਵੀ ਮੈਥਡ ਲਗਾਉਣਾ। ਇਹ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਅਸਮਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਅਸਮਪਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੀ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੀਨਸ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ 2 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਲਿਆ ਰਿਟਰਨ ਡਾਊਨ ਵੈਲਿਊ ਮੈਥਡ ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਸਾਲ ਕੋ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸਟਰੇਟ ਲਾਈਨ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੀਨਸ ਵੰਸ ਦ ਮੈਥਡ ਇਜ਼ ਅਡੋਪਟਡ ਦੈਟ ਕਾਂਟ ਬੀ ਚੇਂਜਡ, ਮੀਨਸ ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਉਹ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਵਾਈਲ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਦਾ ਅਕਾਊਂਟਸ, ਇਹ ਕੰਸਿਸਟੈਂਸੀ ਅਸਮਪਸ਼ਨ ਆਫ ਅਕਾਊਂਟਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਨਾਓ ਵੀ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਡਿਸਕਸ ਫਾਰਮੂਲਾਸ ਫੋਰ ਸਟਰੇਟ ਲਾਈਨ ਮੈਥਡ ਐਂਡ ਡਬਲਿਊ ਡੀ ਵੀ ਮੈਥਡ। ਸਪੋਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਸਟ ਕਹੀ ਆ, ਓਰਿਜਿਨਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ, ਓਰਿਜਿਨਲੀ ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਖਰੀਦੀ ਹੈ 80,000 ਦੀ, ਓਰਿਜਿਨਲ ਵੈਲਿਊ ਕੋਸਟ ਵੈਲਿਊ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਵਿਕ ਜਾਣੀ ਹੈ ਮੀਨਸ ਜਦੋਂ ਖਰਾਕ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਖੰਡਰ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸਕਰੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਿਕੇਗੀ 20,000 ਦੀ। ਮੀਨਸ ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੰਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ, 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਪੋਜ਼ 20 ਸਾਲ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਮੀਨਸ ਸਪੋਜ਼ ਇਹਨੇ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਦੇ ਆਰ ਆਸਕਿੰਗ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਓਰਿਜਿਨਲ ਵੈਲਿਊ ਮਾਈਨਸ ਸਕ੍ਰੈਪ ਵੈਲਿਊ ਅਪੋਨ ਐਸਟੀਮੇਟਿਡ ਲਾਈਫ। ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਓਰਿਜਿਨਲ ਵੈਲਿਊ ਮਾਈਨਸ ਸਕ੍ਰੈਪ ਵੈਲਿਊ ਅਪੋਨ ਐਸਟੀਮੇਟਿਡ ਲਾਈਫ, ਓਰਿਜਿਨਲ ਵੈਲਿਊ ਮਾਈਨਸ ਸਕ੍ਰੈਪ ਵੈਲਿਊ ਅਪੋਨ ਐਸਟੀਮੇਟਿਡ ਲਾਈਫ। ਸੋ ਓਰਿਜਿਨਲੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ, 80,000, ਮਾਈਨਸ ਸਕ੍ਰੈਪ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਸੀਗੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, 20,000। ਐਸਟੀਮੇਟਿਡ ਲਾਈਫ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 20 ਈਅਰਸ, ਮੀਨਸ ਓਰਿਜਿਨਲੀ 80,000 ਦੀ ਸੀਗੀ, ਸਕ੍ਰੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਵਿਕਣੀ ਹੈ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ, 20,000 ਦੀ। ਐਸਟੀਮੇਟਿਡ ਲਾਈਫ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, 20 ਸਾਲ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, 60,000 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 20, ਦੈਟ ਇਜ਼ 3,000, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ 3,000 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ, ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਨਿਕਲੇਗੀ, ਡੈਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਪਰਸੈਂਟ ਲਿਖ ਰਿਹਾ,
डेप्रीसिएशन परसेंट इज इक्वल टू डेप्रीसिएशन अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इन टू 100. डेप्रीसिएशन परसेंटेज द फॉर्मूला, डेप्रीसिएशन अपॉन ओरिजिनल वैल्यू इन टू 100. सो डेप्रीसिएशन कितनी है साढ़े को 3000, ओरिजिनली वैल्यू कितनी सी की देखो साढ़े को 80000, इन टू 80 की करे 100. सो दिस कट विद दिस, दिस कट विद दिस, 2 4s are 8, 2 5s are 10, 15 upon 4, दैट इज 4 3s are 12, देन 4 7s are 28, 4 5s are 20. 3.75% डेप्रीसिएशन आई है. सो याद रखना डेप्रीसिएशन तो इदा निकल गई, हूँ डेप्रीसिएशन परसेंट कि कटी दी है, जिनी आ डेप्रीसिएशन आई डिवाइडेड बाय जिन्ने दी ओरिजिनल वैल्यू सी मल्टीप्लाई बाय 100. ये डेप्रीसिएशन परसेंटेज कट दें फॉर्मूला. डेप्रीसिएशन मीनस आ 3000 जी आई है कि हर साल मशीन की वैल्यू 3000 घटेगी, इन इन दी इम्प्लीकेशन आ है. सो नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस द फॉर्मूला ऑफ WDV मैथड. चलो जी, तुहानू मैं फॉर्मूला डिस्कस करन जा रही हूँ. WDV मैथड, रिटन डाउन वैल्यू मैथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मैथड, रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मैथड, यह तीनों एक ही चीज़ के नाम ने. मीनस दे आर थ्री वर्ड्स आर सिनोनिम. हूँ असं WDV मैथड कर रहे, रिटन डाउन वैल्यू मैथड जिंदा नाम डिमिनिशिंग बैलेंस मैथड है, तीजा नाम रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मैथड है. इनके तीन नाम ने. तो हूँ असी करन जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर, मीनस इनका क्वेश्चन करके दिखा रहे हैं. सपोज तुसी ओरिजिनली मशीन खरीदी 1 लाख की, ओरिजिनल वैल्यू 1 लाख, तो जदों इन्हें खंडर बनना स्क्रैप वैल्यू हो जानी है, इनकी स्क्रैप दे विच 20000 की हो जानी है. मीन स्क्रैप 20000 का विकना इनका कबाड़, तो उस तो बाद किन्ने साल वरतनी है तुसी मशीन. 5 ईयर्स क्वेश्चन कह रहे कि इनकी एसटीमेटेड लाइफ 5 साल है, 5 साल बाद स्क्रैप बनेगी. वो कहते रेट ऑफ डेप्रीसीएशन कटो. WDV मैथड से डेप्रीसीएशन का रेट, डेप्रीसीएशन परसेंटेज कटन का फॉर्मूला है 1 माइनस, फॉर्मूला 1 माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू दे पैरां दे विच पैरां दे विच है, ठीक है. 1 माइनस रूट स्क्रैप वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू, 1 माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन ओरिजिनल वैल्यू पैरां दे विच एन, एन मीनस एस्टिमेटेड लाइफ किन्ने साल मशीन जिएगी, इन टू 100. अच्छा 1 माइनस स्क्रैप वैल्यू किन्नी है देखो मेरे बच्चों, स्क्रैप वैल्यू है 20000, ओरिजिनली वैल्यू किन्नी है 1 लाख, इंटू की करांगे 100, ये 0 इन्दे नाल कट हो गई, ये इन्दे नाल. एस्टिमेटेड लाइफ पैरां च किन्नी लिखनी है, 5 है ना एस्टिमेटेड लाइफ, एन एस्टिमेट पैरां च 5 लिखिया सी. ते असी हुण इहनू सॉल्व करांगे, ध्यान नाल देखियो. अगला स्टेप मैं इत्थे कर रहा, साडे कोल की आया इत्थे 1 माइनस पैरां दे विच 5, 2 अपॉन 10 इंटू 100. सो 2 5s are 10 मीनस 1 माइनस मेरे पास क्या आया, पैरों के 5, 1/5. अच्छा हूँ मेरी गल ध्यान नाल सुनना, इत्थे आ जाएगा मेरे को 1, जो भी आ पैर चो हटती है ना चीज़, तो उपर जाके जिदा पैर दे विच की है, इत्थे साढ़े कोल जदों भी पैर चो हटदा है ना कोई भी चीज़, तो उपर जाके इनकी पावर 1/5. जे इत्थे 2 हुंदा तां 1/2, जे पैर च 3 हुंदा तां 1/3, उपर इदा हो जाता. सो साढ़े कोल हुण की आया, इदा आ गया कुछ. सो हुण आपां करांगे 1 माइनस 1 अपॉन 5 रेज टू पावर 1/5 इंटू 100. सो डियर स्टूडेंट्स, अगला कंसेप्ट देखो जरा. सो हुण साढ़े कोल अगले स्टेप दे विच की हो जाएगा, 1 माइनस 1 अपॉन 5 रेज टू पावर 1/5 इंटू 100. हुण तुहानू देखो क्वेश्चन पूछ रहा, सपोज तुहानू ये तां तुहानू पता 5 रेज टू पावर 2 25 हुंदा, 5 रेज टू पावर 1 5 हुंदा. हुण मैं 5 रेज टू पावर 1/5 पूछा तां की हुंदा, सोच सोचा च डूब गए ना.
सो जदों भी तुहानू ये चीज़ आ जाए मीनस की मीनस तुहानू पता ही नहीं मीनस हले तक तुसी प्लस वन च होगे मीनस 5 रेज़ टू पावर 1 तां 1 5 है 5 रेज़ टू पावर 2 25 है मीनस ये तुहानू सारे नूं पता 5 रेज़ टू पावर 0 1 है 5 रेज़ टू पावर 1 5 है 5 रेज़ टू पावर 2 25 है 5 रेज़ टू पावर 3 125 है। मैनू 5 रेज़ टू पावर 1/5 की वैल्यू दसो किदां आएगी, किदां आएगी दसो, इनका आंसर निकलेगा। मैं तुहानू दस रहा एंटी लॉग, जदों भी इदा की चीज़ कढ़नी होए ना एंटी लॉग 1/5 बेस 5 मीनस आ चीज़ बेस बन जाती है, आ चीज़ बेस, तो असं इंटर एंटी लॉग करना, एंटी लॉग कितना करना है 1/5 बेस 5। हूँ मैं तुम्हें कढ़ना सिखाना, हमने हूँ इनकी वैल्यू मैं तुम्हें हमने कढ़नी सिखाऊंगा एंटी लॉग मीनस असं की करना हों जो भी इदा की चीज़ कढ़नी हो असी कि करनी है एंटी लॉग 1/5 बेस 5 आ चीज़ का एंटी लॉग करना है, ये बेस बन जाता है। सो उन्हें कटना कि एंटी लॉग, वैसे मैं तुम्हें सीधा वैल्यू दस दिना 1.37 इनकी वैल्यू है 1.37। हूँ ये आई किमें 1.37, उनके लिए मैं तुम्हें एक एंटी लॉग कैलकुलेटर दिखाने वाला। तुम गूगल पर जाओगे एंटी लॉग कैलकुलेटर सर्च करोगे मीनस जिदा मैं थोड़े लिए एक आह एंटी लॉग कैलकुलेटर खोल के रखा है, चाहे तुम सेम वैबसाइट पर जाके एंटी लॉग कैलकुलेटर खोल लेना। सो तुम इदा एंटी लॉग कैलकुलेटर खोलोगे, ठीक है। सो हूँ तुम इतने ब्लैंक्स आ दो इतने ब्लैंक्स नज़र आ रही हो, तुसी इत्थे एंटी लॉग कढ़ना किंदा, बेस की सीगा तुहाडा 5 सी ना, इत्थे बेस लिखता ते वैल्यू किंदी कढ़नी सी 1/2, एंटी लॉग 1/2 कढ़ना सी ना, 1/5 कढ़ना सी, सॉरी असी एंटी लॉग 1/5 कढ़ना सी। 1/5 नूं आपां की लिख सकते हैं 5 0.2 लिख सकते हैं, इत्थे 0.2 लिखिया मीनस एंटी लॉग 2 बेस 5। मैं हूँ कैलकुलेट करन लगा थोड़े दे लई, सो कैलकुलेट करया मेरे को देखो की आया 1.37। याद रखना मीनस इतने मैं तुम्हें फिर दस रहा असी की कढ़ना सीगा, असी कढ़ना सीगा एंटी लॉग इतों की असी कढ़ना सीगा, ध्यान नाल देखो एंटी लॉग 1/5 2 द बेस 5 ये चीज़ कढ़नी सी असी, ठीक है। 1/5 नू 0.2 लिख सकते ना, 5 0 0.2 1/5 0.2 होंगे, सो एंटी लॉग 0.2 विद द बेस 5 कटना। सो किदा निकलेगा एंटी लॉग 0.2, इतने 0.2 लिखना बेस 5 है, आ बेस नीचे होंगे ना, देखो बेस 5 एंटी लॉग 0.2, ठीक है। सो साडे कोल इंदी वैल्यू आई बेसिकली 5 रेज़ टू पावर 1/5 दी वैल्यू आई है हुण साडे कोल। मैं इत्थे तुहाडे लई स्क्रीन अरेंज कर रहा, वेट अ सेकेंड। सो एंटी लॉग साढ़े कोल 1/2, साढ़े कोल एंटी लॉग 1/2, इतने देखो 1/5 नू 0.2 लिख सकते हो, एंटी लॉग 0.2 बेस 5 मेरे को 1.37 आया। मैं इतने वैल्यू फिल करी 1/5 रेज़ टू पावर यानी 1.1/5 की वैल्यू 1.37 आई है मेरे को। हूँ मैं इतने 1.37 लिखाँगा, इनू सॉल्व करांगा, LCM 1.37 होएगा, ऊपर की आ जाएगा 1.37 -1 × 100, ये सारा कुछ कैलकुलेट करके मेरे को आंसर आएगा अप्रॉक्स 27% या 28%। क्वेश्चन खत्म। मीनस तुहानू हुण जदों भी इदां दे क्वेश्चन आ जाण मीनस जदों इस तरह की वैल्यू कढ़नी पएगी एंटी लॉक टेबल च कढ़नी पएगी, मीनस जिदा 5 रेज़ टू पावर 1/5 करना तां तुसीं इहदा कढ़ना, जे सपोज तुहानू क्या होया 6 रेज़ टू पावर 1/3 कढ़ो, मीनस इहनू किदां कढ़ांगे। मीनस सपोज तुहानू कुछ मैं इत्थे कॉल सॉल्व करके दिखा रहा, सपोज तुहानू कह दें 6 रेज़ टू पावर 1/3 कढ़ो या 6 रेज़ टू पावर 1/5 कढ़ो या 7 कढ़ो, जो मर्जी कढ़ो, मीनस तुसी किवें कढ़ोगे एंटी लॉग 1/7 बेस 6 इदां तुहाडे कोल वैल्यू आ जाएगी। 1/7 नूं की लिख सकते, 7 0 जा 0, दैन 1 बचा 7 1 जा 7 3, 0.14 एंटी लॉग 0.14 बेस 6 इन दी वैल्यू कढ़ोगे तो तुहाडे कोल 6 रेज़ टू पावर 1/7 दी वैल्यू आ जाएगी।
दैट्स इट। सो मैं तो इन बेसिक्स कवर करते हैं।